हेलो हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अनि सम्पूर्ण दर्शक मण्डलीमा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ भिडियोमा। डाक्टर अलिया यतिखेर भने बिहानको सबै चार बजिरहेको छ, सो यतिखेर भने लाइभमा आएको छ, 81 सो किन आएको छ डाक्टर अलिया 81 लाइभमा, सो भिडियोलाई हामीले हेर्न गइरहेछौँ। सो सम्पूर्ण साथीहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर यहाँलाई आफ्नो लागेको प्रतिक्रिया भने सदा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो ढिला नगरी समयलाई यो भिडियोलाई प्ले गर्न चाहन्छु साथी। मुँह पे बोलते हैं छुप के नहीं किया, मैं जो करती हूँ मैं बता के करती हूँ। हाँ हो गया, ब्रेकअप हो गया, जो हुआ सबको पता है क्या हुआ है, ब्रेकअप हो गया, ख़त्म हो गया, खलास। तो या अभी बता देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं बता देती हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको वन साइडेड कोई चीज़ नज़र आती है तो आप जब तक दूसरी साइड की नहीं सुनते आप नहीं जज कर सकते कुछ भी। और मेरी गलती ये दैट मैंने कभी अपनी स्टोरी बताई नहीं किसी को, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। अगर मैंने बता दी तो अगर आप कीचड़ में कंकर मारोगे तो सब आपके ऊपर ही आएगा कीचड़। जब तक आप मुझसे मिलते नहीं हो, जब तक आप मेरी स्टोरी नहीं सुनते तो आप नहीं समझ सकते कि मैंने क्या क्या फेस किया। आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है सोशल मीडिया पे। मैंने कभी इसको अपनी वीकनेस बना के यूज़ नहीं किया, एज अ टूल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, एज अ पीस ऑफ फेम मैंने कभी यूज़ नहीं किया कि यार हाँ मैं अपनी स्टोरी बता के लोगों से सिंपथी लूँ। नहीं, मुझे शौक नहीं है इस चीज़ का। बट अभी जब मैं इतने महीनों बाद, इतने साल बोल सकते हैं, तो सालों बाद जब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, दैट उसके बाद बार बार ये हो गया। अरे यार मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं क्यों पीछे देखूंगी? अब मुझे क्या जरूरत है इधर उधर देखने की? मैं अपने पास्ट में खुश हूँ, पास्ट को लेके खुश हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है करो। फिर कुछ छह लोग आते हैं, फिर आके कुछ भी बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन कभी कभी आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, इवन अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर सकते आप किस चीज़ से गुजरे हो। आप कभी कभी वो भी आप यकीन नहीं करते। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों से नहीं शेयर कर सकते, नहीं कर सकते। वाकई कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं लाइफ में जो बताना मुश्किल होता है। हाँ, उस चीज़ से भी गुजरे हैं। उसके बाद अगर आप नहीं शेयर करते, अपने अंदर रखते हो, तो वो दिल में भरता जाता, वो फिर आपको ही अंदर अंदर से खाने लग जाता है। फिर आपके माइंड में आता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ यार, इतना इतना सब कुछ हो गया है, मुझे मर जाना चाहिए यार, मुझसे तो बुरा कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में। फिर आप उस डिप्रेशन के फेज़ में आते हो। मैं आई हूँ इस डिप्रेशन के फेज़ में। लीव सुरेश, यू हैव ओनली नेपलीज फॉलोअर्स, वेयर इज़ योर 11 मिलियन बाय यू ऑल, वाई यू ऑल फाइटिंग नेपलीज एंड फाइटिंग। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास 11 मिलियन है, ओके थे, पहले भी थे, कितना 10.3, बट मैंने छोड़ दिया था सब जब मैं आई वापस दूसरा दिन लाइव पे। आई वॉज हैप्पी, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ठीक है इधर मेरे 10 मिलियन हो गए, कुछ भी नहीं था, खाली था ये सब। मेरे पास लोगों की कमी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास 16.2 मिलियन स्नैक वीडियो पे हैं, मेरे पास 750 के आई थिंक मेरे स्नैपचैट पे भी हैं, और टिकटॉक पे भी 10.3 मिलियन कुछ थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं नेपाली लोगों की कदर नहीं करती, या मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती, या आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन जो नेपाल से है, आई रिस्पेक्ट एवरी वन। और इनको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने उस टाइम पे मेरा साथ दिया है कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेज़ से निकल रही थी, जब मैं उस डिप्रेशन के फेज़ में थी, जब मैंने अपने आप को कट्स मारे, जब मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी लोगों पर बिलीव करना कि यार अच्छे लोग भी होते हैं, तब मैं जाके इन लोगों से मिली कि यार अच्छे लोग वाकई होते हैं यार इस दुनिया में। मैंने लाइव शुरू किया, तब ये लोग आए, इन लोगों ने किसी ने मुझे बहन बोला, किसी ने मुझे बेटी बोला, किसी ने मुझे बोला कि आप हमारी बेटी जैसी हैं, किसी ने बोला कि आप हमारी बहन जैसी हैं, और इन लोगों से मुझे इतना प्यार मिला है कि यार मैं इनसे छुपा नहीं सकती।
एक इंसान को बताना काफ़ी नहीं है यार, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये बिला वजह मुझे इतना प्यार देते हैं, इनको अभी कुछ मैंने नहीं बताया अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी, फिर भी ये लोग इतना प्यार करते हैं। तो आई स्वेयर मैं इन लोगों से धोखा एक्सपेक्ट नहीं करती और ना ही मैं इनको धोखा दे सकती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इनकी कदर करती हूँ, आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन जिसने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है कि जब मेरे साथ अब मैं खुद भी नहीं थी, मैं खुद भी अपने आप पे यकीन नहीं करती थी, तब इन लोगों ने मुझ पे यकीन किया। तो मैं हर उस सिर्फ यही नहीं कि नेपाल से और भी लोग थे, कुछ थे, कम थे, ज़्यादा नहीं थे, हाँ तब नेपाल के ज़्यादा लोगों ने मुझ पर यकीन किया, ठीक है। मेरे लिए वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने मुझ पर उस टाइम पे यकीन किया जब मैं अपनी ज़िंदगी के कह सकते सबसे बुरे फेज में थी, जब हर कोई आपसे दूर हो जाता है, तब इन लोगों ने मुझ पर यकीन किया, तभी मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इन लोगों ने मुझे, मैंने कभी इस बात पर सिंपथी नहीं ली, आपके फादर की तरह मेरे फादर को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं, एंड मैंने कभी इस बात पर सिंपथी नहीं ली कि हाँ भाई मेरे पापा नहीं है ना, हाँ भाई मेरे फादर को इस दुनिया से गए 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से भी ज़्यादा। मैं स्कूल से कॉलेज में आई तब, स्कूल थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक मैट्रिक, तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मेरे पास कोई नहीं था कि जिससे मैं शेयर करती हूँ। इन लोगों ने इतना प्यार दिया, इन लोगों ने मुझे कभी पीछे नहीं हटने दिया, थोड़ा बहुत हेट हर जगह चलता है, थोड़ा बहुत हेट मिला, लेकिन ज़्यादा अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले कि जिनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि मतलब दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में बहुत प्यार है, दुनिया में बहुत अमन है। फिर मैटर नहीं करता कि कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, जब कोई आपको बेटा या बहन बोल देता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया में कहीं से भी है, तो ये बाउंड्रीज तो हमने बनाई है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है। आई एम हैप्पी, मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं इन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और आप बोलते हो कि यार तुम लोग, तुम्हारे पास और कमी है क्या लोगों की, नहीं है, कमी नहीं है लोगों की, लेकिन मैं इन लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मुझे कुछ बात अगर मुझे एक्सेप्ट करनी है, मैंने लाइफ पे बैठ के एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये बात है और ये बात ऐसी है, मैं इनसे झूठ नहीं बोलूँगी अभी। मेरी मजबूरी नहीं है, दूसरों की मजबूरी समझो कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को ये बात। हाँ भाई आप लोगों को पता है जो मेरे दिल में, आप लोगों को शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता है कि मेरे दिल में क्या है, हाँ, और मैं मुंह पे एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ भाई मैं करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ, मुंह पे एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट करूँगी। एंड अगर मुझे आप लोगों को धोखा देना हो तो भाई दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेगैरत इंसान कोई नहीं है, मैं आप लोगों को धोखा दूँ, आप लोगों से झूठ बोलूँ, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बताया पास्ट था, ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन किया, डिप्रेशन से गुजरी, आप लोग मिले, खुश हो गई, इतना ही है, इतना ही है। अगर अभी कुछ होगा ना, अगर मेरी लाइफ में कोई और होगा या मैं कहीं और जाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, यार मेरी लाइफ में है कोई, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं है यार कोई, नहीं होगा तो कैसा बोलूँ कि कोई है यार, नहीं है कोई मेरी लाइफ में। आप लोग सोचते हो कि यार मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतनी ब्रेव हो चुकी हूँ कि मैं मुँह पर बताऊँ कि यार हाँ मैं हो चुकी हूँ, इतनी ब्रेव मैं हो चुकी हूँ, मुंह पे एक्सेप्ट करूँ, रिलेशनशिप है तो है, नहीं है तो भाई नहीं है। चलो इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को, बाकी किसी को यकीन करना है करो, नहीं करना फिर भी आई डोंट केयर, जिसको मुझ पे यकीन है वो रहेगा, जिसको नहीं है यकीन भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे ऐसे लोगों को यकीन भी नहीं दिलवाना। जिसको मैं एक दफा बताती हूँ आप लोगों को, इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं बताया, ठीक है, वीडियो बनाऊंगी, लगा दूंगी, बता दूंगी सबको, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, 1000 लोगों को बताने से क्या फायदा, जिसने 10,000 ने सुनना है आके सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना नहीं सुनेगा, हाँ बता दूंगी 10,000 लोगों को भी, सुन लेंगे वो भी। तो आप लोगों से छुपा नहीं सकती, ये हुआ, मूव ऑन किया, डिप्रेशन से गुजरी, अच्छा अपने आप को मानने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं की, 2-3 दफ़ा की, स्लीपिंग पिल्स ली, एनजाइटी से गुजरी, कभी कभी अभी भी होता है, लेकिन हाँ फिर बात नहीं, ज़िंदगी है, सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ थोड़ी हुआ है क्या, धोखा सबको मिलता है, गुजरी हूँ इस सब से, अभी खुश हूँ, तो कोई
कोई रहने नहीं देता, यकीन नहीं करता है. Where are you now? I'm at home and I'm happy. आप कुछ भी देख के आप उस पर जज नहीं कर सकते किसी को. वन साइडेड आप कुछ जज नहीं कर सकते. जिस दिन आपको मेरे अकाउंट से कुछ मिलेगा ना, वो मेरी स्टोरी होगी. लेकिन मेरा दिल नहीं है कुछ बताने का किसी को. जिस दिन आप लोगों को मेरी स्टोरी पता चलेगी, उस दिन आप लोगों का सब जवाब मिल जाएगा. लेकिन मेरा दिल नहीं है इन सब शेयर करूँ. आप लोगों को बता रही हूँ बस. आज दिल भर गया है तो निकाल रही हूँ किसी तरह. कोई शेयर करने वाला नहीं था मेरे पास. या लाइव खोली बता दिया सबको. जिसको अच्छा समझना समझेगा, जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा. भाई जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना नहीं रहेगा. जिसको हेट करना है हेट करेगा, जिसको प्यार करना है प्यार करेगा. और जिसको बहन मानना है बहन मानेगा, जिसको नहीं मानना है भाई नहीं माने, भाड़ में जाए अपना काम करे. कोई उनका सफ़ेद कौवा होता है भाई, भैंस उड़ती है. जो करना है करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है. थैंक यू सो मच दाई, थैंक यू. तो पॉजिटिव लोग बहुत मिले हैं यार, उनसे झूठ नहीं बोलूँगी. अभी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में. तो वापस जा रही हूँ, कभी कभी जाती हूँ उसी बाकी उसी दुनिया में वापस डिप्रेशन के फेज में. कभी कभी जाती हूँ वापस, जाने लगती हूँ. फिर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, फिर लोग बोलते हैं नहीं तुम बहुत अच्छी हो. कोई बात नहीं, होता है सबके साथ. कुछ लोग होते हैं जो आपको इस फेज से निकाल लेते हैं. अभी फिर मुझे ऐसा लगा यार आज कि मैं अपने अंदर रखूँगी ना, मैं फिर वैसी हो जाऊँगी, फिर पागल हो जाऊँगी. अगर मैंने दोबारा अपने अंदर ये सब चीज़ें रखी तो किसी से शेयर नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगी जो मैंने पहले की. मैं आप लोगों को बता देती हूँ. स्टिल अब छोटी सी भी बात होती है ना, मैं दिल में नहीं रखती. क्योंकि अगर मैं दिल में रखूँगी, मैं सोचूंगी उस बारे में, ओवरथिंक करूँगी, डिप्रेशन में जाऊँगी, फिर अपने आप को मानने की कोशिश करूँगी, सोशल मीडिया छोड़ दूँगी. इतना करना ही नहीं है ना भाई, इतना करना ही नहीं है. मुझे इस हद तक जाना ही नहीं है. अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ भाई, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो, इतना ही है. इसको यकीन करना करेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा. चला जाएगा, चला जाएगा तो अब मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता. चला जाए. थैंक यू दी. सच में अभी कोई भी है ना मेरी लाइफ में जिसको मुझ पर यकीन नहीं है ना, उसने जाना है ना तो वो चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता. अभी उस फेज में आ गई हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी याद आप लोग बोलोगे इसने पहले क्यों नहीं बताया, इसने अभी क्यों बताया. ये 8-10 महीने मैं बहुत खुश रही हूँ, सच में खुश रही हूँ. मैंने हर नेगेटिव चीज़ को इग्नोर किया है, मैं हर चीज़ को साथ लेके चलती रही हूँ. लेकिन अभी जब मुझे लगा है ना कि यार मैं वापस उसी चीज़ में जा रही हूँ, मैं वापस अपने माइंड में चीज़ें भर रही हूँ, मैं वापस उसी गुस्से उसी ईगो उसी चीज़ में वापस जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि यार इससे अच्छा बता देना चाहिए मुझे. इसलिए बता रही हूँ. बहुत कम लोग हैं लेकिन कोई बात नहीं, कम है, अच्छे लोग हैं, काफ़ी है. ज़्यादा लोग हो जाएं, हेट करने लग जाएं, नहीं चाहिए भाई ऐसे लोग. सो यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, यू कैन से आई डू हैव अ ब्रोकन हार्ट. जिसको एक दफ़ा हील किया गया फिर तोड़ दिया गया, फिर किसी ने बहुत ज़्यादा यकीन दिलवाया अपने आप पे. फिर जब आपको किसी पे ऐसा अंधा एतबार हो जाता है ना, आप बदले में वही एक्सपेक्ट करते हो यार इसको भी मुझ पे उतना ही एतबार होना चाहिए जितना मुझे इस पे है. फिर जब कोई नहीं करता ना तो दिल टूट जाता है यार. ऐसे बोलोगे बेकी बेकी बातें कर रही है. रात के कितने बजे, कितने बजे हैं रात के पता नहीं, कितने बजे, 3:30 बजे मुँह उठा के कुछ भी बोल रही है लाइफ पे. तो हाँ भाई मैं अपने अंदर नहीं रखूँगी. मैं गुजर चुका हूँ इस सब से. या
तो आई एम गुड, आई एम हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी इंशाल्लाह. कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना आगे. ज़्यादा नहीं तो दुनिया में कोई भी नहीं रहे ना, अगर तो दुनिया में आपके माँ बाप हैं. मेरे चलो बाप नहीं है, माँ तो है जिसको मुझ पे यकीन है. कोई बात नहीं, वो तो रहेंगे, सब चले जाएं. माँ तो है ना एक यकीन करने वाली, अभी किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता. अल्लाह इज़ विद यू, नो डाउट. मैं जब मेरा दिल भर जाता है ना तो मैं अक्सर अल्लाह से ऐसा बात करती हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या सोचा था, क्या हो गया. कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और हो कुछ जाता है. शिकवा नहीं करती मैं, शिकवा कभी नहीं करती मैं अल्लाह से, कभी शिकवा नहीं करती, गिला नहीं करती मैं. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना जो मेरे साथ हुआ है तो मुझे अभी तक लोगों को समझना ही ना आता. मैं ऐसे दूसरों की खुशी में खुश रहने वाली थी, मैं मेरी अपनी खुशी नहीं थी. मैं कभी शिकवा नहीं करती अल्लाह से. या आई एम हैप्पी, जो हुआ अच्छा हुआ, लोगों के असली चेहरे नज़र आए अच्छा हुआ, ना नज़र आते तो अभी तक उन्हीं लोगों से धोखे खा के पता नहीं कहाँ होती मैं. जो हो गया अच्छा हो गया, सबके रंग दिख गए. मैं गुजरा हूँ आज तक, पिल्स ले रहा हूँ. मत लो पिल्स यार, छोड़ो पिल्स लेना. जो बुरा लगता है मुंह पे बोल दिया करो, जो बुरा लगे मुंह पे बोल दो, चाहे उसको फ़ोन करो, उसको गाली दो, उसको कहो यार तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और ये अपनी भड़ास निकालो. जो मुंह में आता है बोल दो उसको, अपने दिल की सब भड़ास निकाल दो. तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसको गालियाँ देनी उसको गालियाँ दो, दिल हल्का हो जाएगा. अपने साथ गलत मत करो, ये मैं कर चुकी हूँ. मेरे हाथों पे देखोगे इतना कट्स के निशान, ये मैं कर चुकी हूँ. ये सब मैं हो गई थी होपलेस, अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं खुश हूँ. वीक पीपल डू दिस. क्या आई नो कि मैं वीक थी, एक्सेप्ट करती हूँ भाई मैं वीक थी. एक टाइम ऐसा था मैं बहुत वीक थी, बहुत डिप्रेस थी, बहुत पागल हो चुकी थी, होपलेस हो चुकी थी कि पता नहीं अभी मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझसे अच्छे तो सब लोग हैं. था एक टाइम ऐसा था और मैं थी ऐसी. अभी नहीं हूँ मैं ऐसी, अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. मुझे डील करना आ गया है, मुझे मूव ऑन करना आ गया है. जिसको रहना है वो रहेगा भाई, अभी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, अभी इतनी स्ट्रांग हूँ. इन्हें बताने का फ़ायदा ये है कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी. मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया यहाँ पे, दिल में रखूँगी फिर वही बाहर आ जाएगा. बस क्लियर करना तक कर दिया, एक ही दफ़ा बोलना तक बोल दिया. इनको बताया नहीं ना कभी, इसीलिए बता रही हूँ. स्टे काम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच. अनमोल खुश रहो, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. नो आई वॉन्ट क्राई, मैं किसी के पीछे अब नहीं रोती, कभी किसी के लिए नहीं रोती. बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में. बॉयफ्रेंड का नाम बताया, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं यार, मैं बॉयफ्रेंड बनाने नहीं चाहती. एक ट्रस्ट हो, एक ट्रस्ट का रिश्ता हो, जिससे भी हो, ट्रस्ट हो, शादी हो, काफ़ी है. ट्रस्ट नहीं है ना, उसके साथ अपने आप को क्यों टॉर्चर. जिससे जितना भी प्यार है ना आपको, उस प्यार को डालो कचरे में. जिसको आप पे ट्रस्ट नहीं है उसको कब भाड़ में जाए. अब एक दफा आपको तकलीफ होगी कि यार नहीं ये तो मेरा प्यार था, इसको ऐसा क्यों बोलना ये वो, लेकिन आप सारी जिंदगी के लिए खुश रहोगे. आगे जिंदगी में आपने कुछ नहीं भी किया ना, आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है ना, जिसको आप पे ट्रस्ट है ना वो आपको माफ़ कर देगा. जिसको आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप कुछ नहीं भी करोगे वो आप पे शक करता रहेगा. तो या अपने दिल पे ऐसा पत्थर रख के उसको बोले तुम्हें यकीन नहीं करना, भाड़ में जाओ, मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं ऐसी हूँ, अभी मैं ऐसी हूँ,
मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैंने किया है तो मैं मुंह पे बोलूंगी कि हाँ भाई मैंने किया, जो करना है कर लो। एंड मैं ऐसी डीट हो गई हूँ कि मैं भाई मुंह पे बोलूंगी, यू आर डिफरेंट देन अदर, प्लीज डोंट नॉट रिएक्ट नॉनसेंस। नहीं, कभी कभी ना नॉनसेंस का भी जवाब देना पड़ता है सब। पब्लिक फिगर होने का नुकसान भी बहुत है, लोगों को लगता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप पब्लिक फिगर नहीं हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उनका जो दिल करे वो बोल सकते हैं। तो हाँ भाई, ये लोग बोले यार, हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं, इन्हीं का जवाब देने के लिए तो बैठे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो घरेलू मामला है, ये लोग इसीलिए तो आते हैं। पब्लिक फिगर को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के इनको पूछना है कुछ भी, इनको बोलना है कुछ भी, ये आएंगे, इनका कुछ भी नहीं जाएगा, ये बेड पे लेटे होंगे ऐसे टांग पर टांग रख के, ऐसा कहेंगे ओह अच्छा तुम्हारे तो ये करके चले जाएंगे। अरे ये नहीं, कभी भी नहीं सोचेंगे यार एक इंसान बैठा है यहाँ पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बैठा है, मुंह उठा के आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये लोग सब कुछ भूल गए, ऐसा टांग पे टांग रख के नई लाइफ पे जाएंगे। फिर जो ठुमके लगा रही होगी उसको कहेंगे वाह क्या ठुमके लगा रही है, इसको गिफ्टिंग करो, इसको फूल मारो, जो चुम्मा चाटी हो रही है इसको फूल मारो, इसको भी फूल मारो, वाह क्या काम किया, क्या एंटरटेन किया यार, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो हम लोग ये करने के लिए तो बैठे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक इतनी बकवास करती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, फर्क सबको पड़ता है यार, फर्क सबको पड़ता है, वो भी इंसान होते हैं। ऐसा कब हाँ आप लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग प्राइम मिनिस्टर है या ये सेलिब्रिटी है, ये पब्लिक फिगर है, इसको कुछ भी बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिब्रिटी है ये पब्लिक फिगर है इसको कुछ भी बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिब्रिटी है ये पब्लिक फिगर है इसको कुछ भी बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि वो अकेले में वो क्या फील करता होगा, मैं भी अकेली थी, मैं भी अभी अपने रूम में अकेली हूँ, आपको पता है मैं क्या फील कर रही हूँ अभी, वो नहीं पता है। लोगों को लगता है ये पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको कुछ भी बोलो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,